Hello students, welcome in the physics class. Till now we have studied that when the magnetic flux linked with a coil or a circuit is changed, then the EMF is induced in the coil or the circuit. If the circuit is closed, then a current flows through it and that current is known as a induced current. लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई पीस आ गया कंडक्टर का, बल्क पीस, जैसे मान लो सीट आ गई किसी कंडक्टर की, उसके थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करें, चेंज करें, देन व्हाट हैपेंस दैट अ करंट इज इंड्यूस्ड इन दैट बल्क पीस ऑफ द कंडक्टर, दैट करंट इज नोन एज एडी करंट. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज एडी करंट. हमारे पास क्या आ गया, ये एडी करंट से हम लोग बात करेंगे. एडी करंट, एडी करंट क्या हुआ हमारे पास, द करंट इंड्यूस्ड in the bulk pieces of conductor when magnetic flux linked with the conductor is changed. अब इसका नाम एडी करंट क्यों दिया गया, क्योंकि हमारे पास कोई पीस आ गया, मान लो ये हमारे पास क्या गया, दिस वन इज अ पीस ऑफ मेटल, किसी कंडक्टर का पीस आ गया. अगर इसके थ्रू हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें दिस पीस, तो ये जो करंट है हमारे पास दैट इंड्यूसेस इन द फॉर्म ऑफ द एडीज विच आर प्रोड्यूस इन द वाटर. अगर पानी में हम लोग पत्थर डालें तो इस तरीके से एडीज फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है. ये आपके पास सर्कुलर भी आ सकते हैं, दिस मे बी रेक्टेंगुलर. तो एडीज की फॉर्म में हमारे पास एक करंट जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है इस तरीके से. दैट्स व्हाई दिस करंट इज नोन एज अ एडी करंट. So whenever the magnetic flux linked with the bulk pieces of the conductor is changed, then the current is induced in the conductor, and that current is known as a eddy current. उसी current का क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, eddy current. इस current को क्योंकि ये Foucault ने सबसे पहले के लिए था, produce किया था, इसको observe किया था, so this current is also known as Foucault current. Also known as Foucault current. इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है. क्या क्या आपके पास, दिस इज अ Foucault current. अब हमारे पास अगर मान लो क्या है कि दैट EMF induced in the current conductor is given by E that is equal to minus d phi over dt. This is the EMF induced. So, अगर मान लो हमारे पास एक आर की रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, देन द एडी करंट, जो एडी करंट है हमारे पास, दैट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और वी कैन से दैट आई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ओवर डी टी अपॉन दिस आर रेजिस्टेंस आर. This is the eddy current. ये हमारे पास क्या है, eddy current. The direction of the eddy current that is given by Lenz's law. Lenz's law से हम लोग क्या करते हैं, इसकी direction लेते हैं. तो पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, that is a experimental demonstration of eddy current. ये हमारे पास से produce होते हैं. Experimental demonstration of eddy currents. हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मान लिया, ये दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है. इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स insulated wire and this wire that is connected
कनेक्टेड विद अ बैटरी, किसी बैटरी के साथ हम लोग क्या कर देंगे इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, दिस वन एस। एक क्या करते हैं हम लोग दैट द मेटेलिक डिस्क, लाइट मेटेलिक डिस्क हम लोग ने क्या कर दिया दैट इज प्लेस्ड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड, यहां पर रख दिया हम लोगों ने एक मेटेलिक डिस्क। इसके ऊपर रख दिया मेटेलिक डिस्क। Now, when this switch is closed, ये क्लोज किया जाता है, as soon as this switch is closed, what happens that this disc that rise up, ये क्या होगी ऊपर उठ जाएगी आपके पास, ऊपर उठेगी, it means that the eddy currents that are produced or built in the disc due to the change in the magnetic flux, जैसे हम लोग ये स्विच क्या करेंगे ऑन करेंगे सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, हैज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क दैट चेंजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, हैज अ करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस। तो जो आपके पास क्या आएगा फेस आपके पास आएगा किसका, लोअर फेस ऑफ द डिस्क दैट अक्वायर द पोलैरिटी सेम एज दैट ऑन द दिस वन दैट इज दिस एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो हैज टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस वजह से ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन इट राइज अप, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई होगी दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट, दैट्स व्हाई इट राइज अप, ये क्या हो जाती है आपके पास राइज अप हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जैसे आ रहा है करंट एंटी क्लॉक वाइज, तो यहां पर कौन सी पोलैरिटी आएगी नॉर्थ पोलैरिटी, तो इसके लोअर एंड में कौन सी पोलैरिटी आएगी लोअर नॉर्थ पोलैरिटी, सो दैट दिस डिस्क दैट राइज अप क्या हो जाएगी राइज अप। ये तो एक एक्सपेरिमेंट था हमारे पास। दूसरा हम लोग क्या करते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट, हमने क्या कर दिया कि दो पोल पीसेस दे दिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के, ठीक है। यहां पर हमने क्या कर दिया एक मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज North pole, that this one is south pole, and the direction of the magnetic field that is from north to south. Let first the poles of the electromagnet, these are not activated. Not activated का मतलब क्या हो गया? That current is not passed through the electromagnet. So there is a no magnetic field in this region. इस region में कोई भी magnetic field नहीं है. अब क्या किया? That this metal plate, ये जो metal plate है आपके पास conducting plate है, that is displaced from its mean position to certain displacement and it is left to oscillate, wahan se isko chhod diya and this plate that oscillate between the two poles which are not activated, ye aapke paas kya karegi oscillate karegi and it takes last time or longer time to come to rest, humne wo time kya kar liya note kar liya. Now what happens that these poles are activated, in poles ko kya kar diya activate kar diya, so that there is a magnetic field between the two poles of the electromagnet. Now again this metal plate that is displaced through the same displacement as in the previous case and it is left to free to oscillate between these two poles. Now it is found that this metal plates that comes to rest in a very short time, बहुत ही कम टाइम है ये इसमें आ गई रेस्ट में आ गई, पहले तो क्या किया था इसने बहुत ज्यादा टाइम लिया था लेकिन अब क्या हो गया आपके पास ये बहुत ही कम टाइम में किसमें आ गई रेस्ट में आ गई, सो दिस कम्स टू रेस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट्स। अब देखते हैं हमारे पास कैसे ये एडी करंट्स जो है किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो, इस तरीके से एडी करंट्स आ जाएंगे आपके पास, डायरेक्शन हमारे पास इसकी चेंज होती रहेगी, एडी करंट्स की सेंस जो है वो क्या होती रहेगी चेंज होती रहेगी। As the metal plate that moves away from the mean position, जैसे दूर जाएगी आपके पास किसी भी साइड पर, what happens that the magnetic flux linked with the plate that decreases, hence the current induced in the metal plate which opposes the decrease in the magnetic flux, hence what happens that the current that flows or current is induced and the polarity of the plate that is as such that it opposes the motion of the plate. ये मोशन को क्या करेगी अपोज करेगी, मतलब मीन पोजीशन से दूर जाने में रोकेगी, लेकिन जैसे कि यहां से आगे पास एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ को आएगी, नाउ व्हाट हैपेंस अगेन
द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मेटल प्लेट दैट चेंजेस मींस अब क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास है इंक्रीज हो जाएगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ की वजह से क्या हो जाएगा एडी करंट सारा इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट अपोजेस द इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे होगा दैट द मोशन ऑफ दिस प्लेट दैट इज अपोज्ड इट मींस दैट एडी करंट दिस डैम्प द मोशन एडी करंट्स क्या करेंगे आपके पास मोशन को डैम्प करेंगे अपोज करेंगे रिलेटिव मोशन को क्या करेंगे अपोज करेंगे दूसरी बात अगर मान लो ये मेटल प्लेट जो है आपके पास दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कट स्लॉट्स कट स्लॉट्स का मतलब ये आ गया हमारे पास इस तरीके से मैंने ये ले ली मेटल प्लेट और इसमें क्या कर दिया यहां से इसको इस तरीके से काट दिया ऐसे आ गया कट स्लॉट्स मींस एरिया इज इंक्रीज्ड अब फिर से हम लोगों ने क्या किया उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया यहां पर एडी करंट्स तो डेवलप हुए लेकिन जो एडी करंट्स के डेवलप होने का मैग्नीट्यूड है उसकी बात करेंगे अब हम लोग कि किस तरीके से डेवलप होगा एडी करंट्स अब देखते हैं अगेन द सेम एक्सपेरिमेंट दैट इज रिपीटेड इसको क्या किया हम लोगों ने रिपीट किया इट इज फाउंड दैट दिस मेटल प्लेट नाउ कम्स टू रेस्ट इन अ टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रीवियस केस लेकिन लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट केस जब हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएगी अब इससे ज्यादा टाइम लिए इसने इट मींस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट्स सो डेवलप्ड इन द मेटल प्लेट दैट डिक्रीजेस सो दैट द डैम्पिंग इफेक्ट दैट इज अ डिक्रीज सो व्हेन एवर द एरिया जो आपके पास क्या आएगा कम आएगा देन व्हाट हैपेंस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट्स दैट आल्सो डिक्रीजेस तो ये हमारे पास क्या है दिस वन इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट अब बात करते हैं हम लोग इसकी दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ दिस एडी करंट्स हमारे पास यहां से पूछा जाता है कि एडी करंट्स एक्चुअल में क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस हम लोगों से पूछी जाती है सो एडी करंट्स एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स पहली बात हमारे पास जो एडी करंट्स हैं दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग दैट इज यूज्ड इन अ डेड बीट एकदम से रेस्ट में नहीं आ सकती है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दैट द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर दैट इज वुंडेड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम एक इसमें नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम में क्या कर दिया इसको हम लोगों ने वुंड कर दिया अब क्या होता है एज सून एज देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कॉइल देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट फ्रेम दैट चेंजेस हैज व्हाट हैपेंस दैट एडी करंट्स आर डेवलप्ड इन द फ्रेम व्हिच डैम्प द मोशन इट मींस हमारे पास एकदम से जो न्यूटन है दैट कम्स टू रेस्ट जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके से आ गई है कोई करंट हमारे पास यहाँ से जीरो से रिफ्लेक्शन आ गई यहाँ पर इतना मैक्सिमम करंट है जो मेजर किया तो वहीं पर किस में आ जाएगी रेस्ट में आ जाएगी यहाँ पर फ्लक्चुएट नहीं करेगी तो इसलिए इसको किसमें यूज किया जाता है दैट इज इन अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर दूसरा हमारे पास जो एडी करंट्स हैं दीज आर यूज्ड इन इंडक्शन फ्लक्स इंडक्शन फर्नेस दैट इज यूज टू मेल्ट द मेटल्स सो एज टू फॉर्म द अलॉयज द मेटल दैट हैज टू बी मेल्ट जिसको हम लोगों ने क्या करना है मेल्ट करना है दैट इज यूज एज अ कोर इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके फॉर्म में यूज किया उसको कोर की फॉर्म में एंड अ स्ट्रॉन्ग चेंजिंग करंट इज पास थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्यू टू द चेंजिंग
इलेक्ट्रिक करंट व्हाट हैपेंस दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कॉइल और लिंक्ड विद द मेटल जो कि एज अ कोर यूज की गई है दैट चेंजेस एंड हेंस व्हाट हैपेंस दैट द स्ट्रांग एडी करंट्स दैट आर डन इन द मेटल पीस. अब क्योंकि रेजिस्टेंस इज हाई सो द हीटिंग इफेक्ट दैट इज वेरी हाई. ड्यू टू दैट हीटिंग इफेक्ट द मेटल दैट गेट मेल्ट वो मेटल क्या हो जाती है आपके पास मेल्ट हो जाती है. तो इसलिए हम लोग इसका यूज किस में करते हैं दैट इज इन द इंडक्शन फर्नेस. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Electromagnetic brakes, these also works due to the production of the eddy currents. What happens that in the train, जो आपके पास ब्रेक लगाई जाती है मेट्रो आप लोग देखो उसमें भी यही कंसेप्ट यूज किया गया है इसका दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. नीचे जो आपके पास रेल है what happens that whenever the brake that has to be applied, then a current is passed, or we can say that the magnetic flux linked with that one that is a rail that is changed which produces a strong eddy currents jo ki kya karte hai aapke paas strong eddy currents jo hai wo produce karte hain which damps the motion of the train jo ki motion train ke motion ko kya karte hain damp kar dete hain and this braking action that is very smooth. theek hai hamare paas aata hai that is a rotor और द डिस्क इन द इलेक्ट्रिक मीटर. पहले आते थे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रोमीटर उसमें एक डिस्क घूमती रहती थी इस तरीके से मीटर में. एंड विद दिस डिस्क व्हाट हैपेंस दैट द स्केल दैट वाज अटैच्ड और उसी की वजह से रीडिंग आती जाती थी मीटर में. जैसे करंट पास होता था मीटर से तो ये डिस्क क्या करेगी घूमेगी. उस डिस्क के घूमने के साथ साथ क्या था स्केल अटैच थी और उस स्केल से क्या जाती थी आपके पास यूनिट जो थी वो काउंट होती जाती थी और आगे नंबर आ जाता था. अब आजकल जो है ये जो मीटर है आपके पास दी जा रहा रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीटर. लेकिन इसमें किसका कंसेप्ट था दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट्स उसकी वजह से ये डिस्क कर जाती है आपके पास रोटेट कर जाती थी और उसी की वजह से हमारे पास कह जाती थी दैट देयर इज अ रीडिंग इन द मीटर. नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें ये फोर्थ वन एप्लीकेशन की तो हमारे पास क्या आता है इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर That also works on the principle of this one that is the production of the eddy currents. ठीक है. A strong changing magnetic field is applied to the rotor. तो rotor में जब आपके पास क्या होगा मैं changing magnetic field apply की गई then what happens that the eddy currents are that hence the rotor that rotates. वो क्या हो जाएगा आपके पास rotate हो जाता है. आप लोगों ने आजकल देखे होंगे that is the induction stove. induction जो चूल्हे आते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है आपके पास देर आर स्मॉल पोर्स और ऊपर जो उसके ऊपर बर्तन रखा जाता है दैट हैव फ्लैट बेस. बेस कैसा होता है फ्लैट आता है. सो व्हाट हैपेंस दैट व्हेन द करंट इज पास उसके अंदर आ जाते हैं क्वाइल हमारे पास. क्वाइल में क्या होता है एसी पास करते हैं हम लोग. एसी पास होगा तो आपके पास क्या होता है दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट चेंजेस. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द यूटेंसिल्स व्हिच आर प्लेस्ड ऑन द इंडक्शन स्टोव दैट आल्सो चेंजेस. हेंस व्हाट हैपेंस दैट द एडी करंट्स आर वेल इन द बेस ऑफ द utensils which produces the heating effect jo ki kya karte hain aapke paas heating effect produce karte hain aur usi ki wajah se hum logon ke paas kya jata hai that we can cook any pulse or we can make the tea on that one induction furnace or we can say that induction stove or induction chulla jisko hum log bolte hain. ab baat karte hain hum log iski that is iske jo limitations hai hamare paas aur disadvantages hai at different scheme उसके डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर. कौन कौन सी आ गई डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स. पहली बात हमारे पास क्या होता है कि दैट एडी करंट दैट डैम्प द रिलेटिव मोशन और इट अपोज द रिलेटिव मोशन. सो व्हाट हैपेंस दैट वी हैव टू अप्लाई द मोर एनर्जी. तो पहले तो आपके पास ही याद है डिसएडवांटेज इट डैम्प द और अपोज द रिलेटिव मोशन. सेकंड वन दैट ड्यू टू द एडी करंट्स हीट इज प्रोड्यूस्ड हेंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट. थर्ड वन ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट्स व्हाट हैपेंस दैट द इंसुलेशन ऑफ द अप्लायंसेस दैट इज रिमूव्ड. वो क्या हो जाएगा आपके पास रिमूव हो जाएगी विच डिक्रीजेस द लाइफ ऑफ द अप्लायंसेस जो कि
अप्लायंसेस की लाइफ को क्या करेगी, आपके पास डिक्रीज कर देगी। अब मेथड देखते हैं हम लोग, मेथड टू डिक्रीज द एडी करंट। हमने बात की थी कि जब एरिया आपके पास कम है तो एडी करंट हमारे पास क्या जाएंगे, कम आ जाएंगे। सो इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर है दैट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। लेकिन वो सॉफ्ट आयरन का किस तरीके से बनता है आपके पास, कि दैट द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट इज मेड ऑफ थिन शीट्स, थिन लेमिनेटेड शीट्स ऑफ अ सॉफ्ट आयरन विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। थिन है आपके पास आयरन को क्या किया गया, एक दूसरे से इंसुलेटेड किया गया है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास आ गई थिन शीट्स, अलग अलग आ जाती है हमारे, बहुत कम ये मैंने मान ली, इस तरीके से हमारे पास आ गई थिन शीट्स, ऐसे ही आगे तक जाती हैं आपके पास। एक्चुअल में ये जो सीट है हमारे पास वो इस तरीके से है, दिस वन इज अ थिन सीट, इस तरीके ऐसे हम लोगों ने इनको कैसे रख दिया, पैरेलल में रख दिया, बीच से आपके पास ये आती है खाली, यहाँ पर क्वाइल हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर वोल्ड करते हैं क्वाइल। तो ये हिस्सा जो है ये सामने मैंने बनाया है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सीट्स, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डक होगी वो कैसे होगी, दैट इज अ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द सीट्स, मतलब ऐसे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरीके से। इट मींस दैट द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड द एरिया ऑफ द प्लेट्स दैट इज वेरी स्मॉल, ये एरिया आपके पास सामने आएगा। हेंस व्हाट हैपेंस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट्स डक इन द ट्रांसफार्मर कोर दैट इज वेरी स्मॉल। सो इन दिस वे द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट डक दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, सो दैट टू अवॉइड द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट। इसको हम लोग जो लॉस ऑफ हीट आता है आपके पास इन द ट्रांसफार्मर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द एडी करंट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज अ आयरन लॉस, उसको हम लोग आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं, जो कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर करेंगे उस दौरान हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो ये था बेटा हमारे पास एडी करंट, हम लोगों ने सिंपली यहाँ से जानना है कि एडी करंट होता क्या है, इसकी एप्लीकेशन, देन द मेथड टू रिड्यूस द एडी करंट। मेथड भी देखिए बता दिया हम लोगों ने कि दैट इन द कोर, टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर वी यूज थिन लेमिनेटेड शीट्स ऑफ अ सॉफ्ट आयरन हूज फेसेस आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट फॉर अ स्मॉल एडी करंट इन द मेटल प्लेट्स जिनका की एरिया आपके पास क्या है वेरी स्मॉल, जो कि सामने आएगा आपके पास वहीं पर आपके पास क्या होंगे एडी करंट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, तो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा एडी करंट का वो बहुत ही कम होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम हुआ तो आपके पास हीट प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया कंसेप्ट दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास ये, सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन अपने आप में ही किसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना है, उसको बोल दिया हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन। तो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन एक्चुअल में क्या हो गया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजिस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। क्या आ गया आपके पास, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजिस एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। अपने आप में ही ये क्या कर देगी, एक ईएमएफ इंड्यूस कर देगी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्शन। जैसे मान लो मेरे पास ये कॉइल आ गई, अब ध्यान दें इस कॉइल में ईएमएफ तब इंड्यूस होगी व्हेन द करंट थ्रू दिस कॉइल इज चेंज्ड। मान लो हमारे पास क्या है कि इस कॉइल में जो करंट है आपके पास, ये करंट
दैट इज इंक्रीजिंग। मान लो ये करंट क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी जिसकी वजह से क्या करेगी आपके पास इस इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगी। तो इट मींस दैट द ईएमएफ बल्ब दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट उसको अपोज करेगी, अपोज करेगी, दैट इज द डिक्रीज को क्या करेगी बेटा आपके पास अपोज करेगी। अगर मान लो इंक्रीज को अपोज करेगी, अगर मान लो हमारे पास क्या है इस कॉइल में करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज होगा, तो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस हो जाएगी जो कि इस डिक्रीज इन करंट को अपोज करेगी। डिक्रीज इन करंट को अपोज कैसे करेगी आपके पास है? कि भाई आपके पास क्या हो जाएगा, इट इंड्यूसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट ड्यू टू व्हिच दैट द डिक्रीज इन द करंट दैट इज अपोज, मतलब इस करंट को क्या करेगी आपके पास फेवर करेगी ताकि जो डिक्रीज आ रहा है आपके पास उसको क्या कर देगी अपोज करेगी। इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट सेंस में होगी आपके पास, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेम सेंस में आप लोगों के पास ईएमएफ क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। हम लोग यहां पर बात करते हैं दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। Minus sign that indicates the
पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड, बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड में हम लोग ई के बराबर बोल सकते हैं इसको। सो द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ, और वी कैन से दैट व्हेन अ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी, द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन करंट चेंजेस इन द कॉइल और द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज अ यूनिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज अ यूनिटी, तब हमारे पास ये ई के बराबर हो जाएगा। अब इसके यूनिट की बात करते हैं हम लोग, जो यूनिट हमारे पास आते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं हम लोग, एसआई यूनिट और दिस सेल्फ इंडक्टेंस, इज हेनरी डिनोटेड बाय कैपिटल एच, हेनरी इसके यूनिट आएंगे आपके पास, जिसको डिनोट किया हम लोगों ने किससे, कैपिटल एच से, 1 हेनरी हम लोगों ने यहां से डिफाइन करना है। तो इस इक्वेशन से मैं देख लूं मैग्नीट्यूड में लिखता हूं ई दैट इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी के बराबर हमारे पास आ गया, तो यहां से एल दैट इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, वेल दिस ई दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, डी आई ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन दिस एल इज इक्वल टू 1 हेनरी, सो 1 हेनरी दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन द कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन इट, ध्यान दें फिर से, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 1 हेनरी व्हेन द करंट चेंजेस इन द कॉइल एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट 1 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास उसकी क्या रहेगी, सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 हेनरी। अब हमारे पास हेनरी की बजाय जो है वो इंडक्टेंस मिली हेनरी में भी मेजर की जाती है, तो 1 मिली हेनरी सभी को पता है, मिली का मतलब 10^-3 और 1 माइक्रो हेनरी की बात करें तो 10^-6 हेनरी के बराबर आपके पास अब आ जाए। अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है आपके पास कॉइल की, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, पहली बात हमारे पास दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, मोर इज द नंबर ऑफ द टर्न्स मोर इज द सेल्फ इंडक्टेंस, सेकंड वन इट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, थर्ड वन इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द कॉइल इज वुंडेड, ध्यान दें अगर कॉइल आपके पास क्या है एम्प्टी है, कोई भी हम लोगों ने मेटेलिक कोर नहीं रख रखा है उसमें, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या आएगी, कम आएगी। एज एनी कोर, कोई भी कोर अगर हम लोग मेटेलिक कोर उसमें डाल देते हैं, कोई रॉड मान लो हम लोग ने डाल दी, मेटल की रॉड हम लोगों ने उसमें डाल दी, देन व्हाट हैपेंस दैट द वैल्यू ऑफ एल दैट इंक्रीजेस, मींस आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, एंड इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ दैट कोर विच इज इंसर्टेड इन द कॉइल, सो इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर ऑन विच द कॉइल इज वोल्डेड। तो ये था हमारे पास क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये सारी चीजें पूछी जाती है यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ से आर्टिकल आता है दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, उसकी बात करते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमने क्या कर लिया कि एक सॉलिड आर्टिकल कंसिडर कर लिया, कंसिडर
सॉलिडाइट ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कंटेनिंग एंड टर्न्स हमारे पास है। देखो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिड एन दैट इज इक्वल एन अपॉन एल राइट। मान लो हमारे पास क्या है, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन सॉलिड, सो द मैग्नेटिक फील्ड इन सॉलिड, मैग्नेटिक फील्ड अगर देखे हम लोगों ने सॉलिड के अंदर निकाली थी दैट इज म्यू नॉट एन आई, एल की वैल्यू मैं रख दू यहां से, सो बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इन टू आई के बराबर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास वर्क होती है, ये अगर मान लो हमारे पास सॉलोनॉइड है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही आती है आपके पास, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या आपके पास है परपेंडिकुलर आ गई, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। सो नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सॉलोनॉइड दैट इज this phi, number of turns, magnetic field induction into area, NBA. So this phi, that is equal to N, B आपके पास क्या है, mu naught, N upon L, और साथ में आपके पास क्या गया, ये I into this area, that this one is number one. अगर मान लो हमारे पास क्या आता है कि that, if L be the self inductance of solenoid, ये self inductance हम लोग मान ली, या फिर coefficient of self induction, so the magnetic flux through the solenoid that is equal to Li from the definition of the self induction, this is number 2, 5। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए आपके पास, क्योंकि यहां से phi आ रहा है mu naught N, N, I, A, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज इसको नंबर वन रहने दे, एक स्टेप और कर लेता हूँ, दिस इज म्यू नॉट एन स्क्वायर हो गया आपके पास, L, I इंटू A, इसको देते हैं नंबर वन, मल्टीप्लाई नहीं किया था हम लोगों ने, नाउ फ्रॉम वन एंड टू इन दोनों में सेकंड देखें तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो इट मींस दैट एल आई दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एल स्क्वायर अपॉन एल आई इनटू ए, ये था हमारे पास आई से आई कैंसिल आउट, सो एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन एल, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिड। अगर मान लो हमारे पास क्या है, वेल सोलेनॉइड कंटेन्स अ कोर, कोई मान लो आपके पास क्या जाता है, इसमें कोर हमारे पास रख दिया गया है सोलेनॉइड में, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट सोलेनॉइड कंटेन्स अ कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, सोलेनॉइड कंटेन्स अ कोर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, then this L that is equal to mu N square upon L into A, अब mu को लिख सकते हैं हम लोग mu naught into mu r, where mu r that is a relative magnetic permeability of that material, magnetic material, और यहां से N square upon L into A, so this one is self inductance of the solid, ये आपके पास relation आ गया पूरा पूरा, इसके लिए
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमने एक कॉइल की प्रॉपर्टी बताई, यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो दो कॉइल की प्रॉपर्टी। सो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच ईच कॉइल अपोजिस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द नेबरिंग कॉइल बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट। अगर मान लो नेबरिंग कॉइल में, किसी भी नेबरिंग कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो दूसरी कॉइल उसको क्या करेगी, चेंज को अपोज करेगी बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इट, दैट इज नोन एज अ म्यूचुअल इंडक्शन। सो यहां पर हम लोग निकालेंगे क्या, दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन या फिर इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमारे पास मान लो क्या है कि कोई दो कॉइल्स हैं, लेट आई विद अ स्ट्रेंथ ऑफ करंट, सो वन कॉइल फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल, किसी कॉइल में आपके पास ये हमारे पास है, ठीक है, एंड आई विद अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद नेबरिंग कॉइल। तो यहां से ये देखा गया कि दैट दिस, जितना एक में करंट फ्लो करेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा आएगी, तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो दूसरी में उतना ही ज्यादा क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर दोनों कॉइल जो है पास पास रखी गई। तो यहां से फाई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी कैन से दैट फाई दैट इज इक्वल टू एम आई, वेयर एम इज नोन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको हम लोगों ने बोल दिया। तो अगर मान लो आपके पास क्या है, व्हेन दिस आई इज वन देन दिस एम इज इक्वल टू फाइव। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोस थ्रू द नेबरिंग कॉइल। मैग्नेटिक जो आपके पास क्या है, दिस वन दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस of two coils is equal to the magnetic flux linked with the one coil when unit current flows through the neighboring coil. अब दोनों coil को हम लोगों ने include करना है। अब हमें और भी पता है that we know that E is equal to minus d phi over dt. तो यहाँ से E किसके बराबर आ गया? That is minus m di over dt. ये मैंने number two दे दिया। यहाँ से अगर हम लोग बात करें किसकी, that is a when this di over dt that is unity, then this m that is equal to minus e or e r plus. So the mutual inductance of two coils is equal to the emf induced in one coil when the rate of change of current through the neighboring coil is unity. So hamare paas kya gaya, that is the कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। अब इसके यूनिट की बात करें तो बेटा इसके यूनिट भी हमारे पास क्या है, दैट इज अ हेनरी है आपके पास, ऐसा ही नहीं ऑफ एम इज हेनरी डिनोटेड बाय कैपिटल एच। हमने किया था यहां से दैट एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में अगर मैं देखूं दैट इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई ओवर डी टी, यही आएगा हमारे पास यहां से। सो वेल दिस इज इक्वल टू वन वोल्ट डी आई ओवर डी टी दैट इज वन एम्पियर पर सेकेंड, देन
दिस एम दैट इज इक्वल टू 1 हेनरी वैसे डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज 1 हेनरी व्हेन करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पीयर पर सेकेंड इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द नेबरिंग कॉइल। अब यहां से हमारे पास इसके भी यूनिट आपके पास भाई मिली हेनरी भी आ सकते हैं और माइक्रो हेनरी भी आ सकते हैं। मोर ओवर वेदर इट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस और वेदर इट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। ये हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटीज। हमारे पास अगर डायमेंशन आप लोगों ने निकालने हो चाहे सेल्फ के निकाल लो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस के निकाल लो हम लोग सिंपली इंडक्टेंस के ही बोल देते हैं। तो हमारे पास ये जो इंडक्टेंस है L और M दैट इज इक्वल ई डी आई ओवर डी टी। देखो E हमारे पास आता है दैट इज अ ईएमएफ दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज और यहां से आ गया डी टी ओवर डी आई उल्टा कर दिया इसको। वर्क डन के डायमेंशन हमारे पास है एम वन एल टू टी माइनस टू चार्ज के हैं ए टी और यहां पर टाइम के टी और करंट के आपके पास ए आर। इस टी से ये टी कैंसिल आउट तो हमारे पास आगे इसके डायमेंशंस एम वन एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू ये हमारे पास क्या होंगे इसके डायमेंशंस चाहे सेल्फ के ले लो चाहे हम लोग इसके ले लें म्यूचुअल इंडक्टेंस के ले लें। मोर ओवर हमारे पास ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड किसके ऊपर करती है। पहली बात म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टू कॉइल्स। सेकेंड वन इट आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। ज्यादा डिस्टेंस होगी तो आपके पास ये क्या आएगी आपके पास भाई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आपके पास कम हो जाएगी और कम डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा। नेक्स्ट वन इट आल्सो डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स विद रिस्पेक्ट टू विच दीज आर प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे मान लो हमारे पास ये ऐसे रखी गई हैं एक ऐसे और एक ऐसे ही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है। लेकिन कई बार क्या है कि भाई एक कॉइल हमारे पास ऐसे रख दी हम लोगों ने और दूसरी कॉइल को मान लो हम लोगों ने इस तरीके से रख दिए ऐसे तो ये हमारे पास ओरिएंटेशंस के आगे डिफरेंट आ गई तो उसके ऊपर भी हमारे पास क्या होगा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये बेटा हमारे पास था इसका कंसेप्ट दैट इज ऑफ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ टू कॉइल्स। अब यहां से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आता है दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमने क्या कर लिया कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स एस वन एंड एस टू each of length l दोनों की लेंथ हम लोगों ने किसके बराबर मान ली l के बराबर। let s1 is inside s2 that's why the area of cross section of s1 is less than that of s2 s2 से क्या आ गया आपके पास ये कम आ गया। मान लो हमारे पास let n1 and n2 be the number of terms and r1 and r2 be the radii of cross section of s1 and s2 respectively such that this r1 is less than r2। तो हमारे पास यहां से निकल गया नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ पहले में
एन वन बाई एन और दूसरे में आपके पास क्या गया एन टू बाई एन। मोर ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले का दैट इज पाई आर वन स्क्वेयर और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर टू स्क्वेयर दिस ए टू दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए वन। अब बनाते हैं हम लोग इनको कि ये किस तरीके से रखे गए हैं हमारे पास। ये हमने मान लिया कि आपके पास दिस इज सॉलोनॉइड एस वन, ये एस वन हम लोगों ने मान लिया। थोड़ा समय फिर से बना लो इसको, ये हमारे पास दिस इज सॉलोनॉइड S1 ये हम लोगों ने मान लिया। दूसरे को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, S2 जो है वो इस साइड को लेकर के चलूंगा मैं, ये इसमें भी आपके पास ये नंबर ऑफ टर्म्स ये मैंने ड्रॉ कर दिए इसके S2 का S1 that is inside of S2 इस तरीके से। ये कौन सा है आपके पास, दिस वन इज S2 सॉलोनॉइड। दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ हम लोगों ने मान ली किसके बराबर, L के बराबर। ये ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने माना हुआ है यहां पर एक का A1 और एक का A2। मान लो हमारे पास यहां पर, अब मैं कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये दोनों सॉलिड जो भी हम लोगों ने कंसीडर किया था वो सारी बातें यहां पर आ गई। मान लो हमारे पास पहले क्या है, लेट I2 बी द करंट थ्रू सॉलिड S2। पहले वाले में कुछ नहीं है, यहां से मैंने करंट मान लिया ये I2 इसमें फ्लो कर रहा है इस बात में, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, दैट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस करंट की वजह से इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन का, सो मैग्नेटिक फ्लक्स S1 is given by I1 is equal to M1 to I2। दूसरे के करंट की वजह से इसमें क्या गया, फ्लक्स आपके पास आ गया। लेट दिस वन इज नंबर वन, वेयर M12 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। S1 के विद रिस्पेक्ट टू S2 आपके पास आ गया। अब दूसरा मेथड हम लोग क्या करेंगे, वे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमें पता है कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इन S2 इस सॉलोनॉइड में इसी करंट की वजह से आएगी। ये तो हमने यूज कर लिया किसका कंसेप्ट, दैट इज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब अलग से निकालेंगे हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसके थ्रू क्या निकालेंगे बेटा हम लोग जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले S2 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की बात करें हम लोग, तो B2 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड I होता है तो N2 I2, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N2 अपॉन L और ये I2 हमारे पास। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स अगर देखें हम लोग तो किसके बराबर आ गया, दैट इज अ एक तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू, दूसरे की वजह से इसकी वजह से S2 की वजह से तो क्या आ गया B2 और इसके एरिया A। सो दिस इज इक्वल टू
एन वन बी टू है, म्यू नॉट एन टू अपॉन एल आई टू, और ये दिया ए वन हमारे पास. सो दिस फाई वन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल आई टू इंटू ए वन नंबर टू. फ्रॉम वन एंड टू अगर देखें हम लोग, सो फ्रॉम वन एंड टू ये भी फाइव वन के बराबर है, ये भी फाइव वन के बराबर है, तो मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूं. तो मेरे पास आ गया एम वन टू आई टू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल आई टू इंटू ए वन. आई टू से आई टू कैंसिल आउट, तो मेरे पास आ गया यहां से दैट इज एम वन टू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल इंटू ए वन. दैट दिस वन इज नंबर थ्री. ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास निकल गई एक. अब मैं थोड़ा सा रिवर्स चलू, मान लो इसके थ्रू कोई भी करंट नहीं है हमारे पास, आई टू नहीं है, ये मान लो चलते हैं. सिर्फ हमारे पास क्या है कि दैट देयर इज ओनली करंट आई वन, यहां से ये नहीं फ्लो कर रहा है हमारे पास. हमने इसके थ्रू मान लिया कि भाई इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है और एस टू के थ्रू जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है. तो मान लो हमारे पास हमने क्या मान लिया दैट आई वन बी द करंट थ्रू S1. तो इसके थ्रू क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S2 दैट इज I2 इज इक्वल टू M21 I1 नंबर 4 वेयर M21 दैट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1. अब मान लो हमारे पास क्या है दैट हम लोग इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इन एस वन बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन आई वन. सो दिस बी वन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन अपॉन एल इन टू आई वन. ये हमारे पास है. Therefore, the magnetic flux through S2, that is phi 2, is equal. इसके number of turns, magnetic field पहले के. अब area देखते हैं हम लोग. यहां से ये concept समझने वाला है. Area हमारे पास वैसे S2 का ही आएगा, लेकिन S2 का एरिया है ये पूरा A2 के बराबर. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ इसी में रिजल्ट करके ऐसे आगे निकल गया क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनोइड है. तो S2 का कितना एरिया यूज हुआ, जितना कि आपके पास ये S1 का एरिया है, यही एरिया यूज हुआ. निकाल हम लोग इसके थ्रू रहे हैं, लेकिन फ्लक्स तो इतने ही एरिया के थ्रू आ रहा है आपके पास. तो यहाँ पर S2 का एरिया ना लेकर के हम लोग इसका लेंगे S1 का एरिया लेकर करेंगे. तो इसलिए यहाँ पर लिखा A1 आता A2, लेकिन A2 का कितना पार्ट यूज हो रहा है जो कि किसके बराबर है A1 के बराबर है, उतना पार्ट यूज हो रहा है, उसी एरिया के थ्रू जाएगा फ्लक्स आएगा. सो दिस phi 2 दैट इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 into A. लेट दिस वन सॉरी इसको करते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं म्यू नॉट N1 N2 upon L I1 A1. So from 4 and 5 4 and 5 हमारे पास क्या आ गया that this one M21 I1 is equal to mu naught N1 N2 upon L I1 A1. I1 से I1 cancel out, so M21 that is equal to mu naught N1 N2 upon L into A1. This is equation number 6. अब देखो, from 3rd and 6th, M12 is equal to M21,
दोनों बराबर हो गए, सो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स एम वन टू दैट इज इक्वल टू एम टू वन दैट इज म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल इंटू ए वन दैट इज म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल इंटू ए वन देयरफॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कोएक्सियल्स ऑफ द नेट्स इज गिवन बाय दिस एम के बराबर लिख सकता हूं मैं दैट इज म्यू नॉट एन वन एन टू अपॉन एल इंटू ए वेयर ए ये अंडरस्टूड है ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनर सोलेनोइड ठीक है वेयर दिस ए इज द एरिया ऑफ इनर सोलेनोइड हमेशा आपको किसका लेना है इनर का लेना है अगर कोई दो कॉइल आती है तो उसमें भी आपको एरिया किसका लेना है इनर वाले का ही लेकर के चलना है तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो बच्चे ये सारी चीज नहीं दिखाना चाहते हैं वो सिंपली इसको क्या कर दो स्किप कर दो उन्होंने कैसे करना है ये पहला निकाल दिया आपने यहां तक उसके बाद लिखना है सिमिलरली Similarly, M21 is equal to mu naught N1 N2 upon L into A1. यहाँ पर आकर ना उन्होंने डायरेक्ट कहाँ से? यहाँ से आगे डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख के? Similarly, M21 is equal to mu naught N1 N2 upon L into A1. ये सारी चीज कर दी इसकी. Therefore, M1 is equal to M12 is equal to M21. That is equal to mu naught N1 N2 upon L into A1. So, बाकी ये चीज. Mutual inductance of a coaxial solenoids that is given by M is equal to mu naught N1 N2 upon L into A where A is the area of the inner solenoid. तो इस तरीके से हमारे पास ये निकल गया क्या that is a mutual inductance of a two long coaxial solenoid and this article is very important बहुत ही important article है ये ठीक है तो इसी के साथ आप लोगों के पास जो theoretical concept है इसका इस chapter का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट इज ओवर कंप्लीट हो गया हमारे पास एसी जनरेटर हम लोग एसी के बात करेंगे हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट है अगला चैप्टर उसके साथ करेंगे हम लोग इसको एसी जनरेटर तो यहां तक आपके पास ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है बेटा सारा का सारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया बस ये रीजनिंग और इसके क्वेश्चन सो इसको रिवाइज करना अच्छे से टिल देन हैव अ नाइस टाइम